आज हम रिव्यू करेंगे एमिक विजन की XML T6 फ्लैशलाइट। इस फ्लैशलाइट के बारे में बेसिक्स आपको बता दूं तो इस फ्लैशलाइट के बॉक्स में, ये रिचार्जेबल वर्जन वाला मैंने लिया है, इस फ्लैशलाइट के बॉक्स में आपको ऐसा AAA सेल एडेप्टर मिल जाएगा जिसे आप इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी बैटरी इसकी रिचार्ज नहीं है तो। और ये इसका चार्जर ऐसे साथ में आता है, यहाँ पे आप इसकी जो लाइट है मतलब सॉरी बैटरी है, बैटरी यहाँ पे लगाएंगे। बैटरी लगाने के बाद में यहाँ से सेकेंड जनरेशन का USB टाइप लगाएंगे और यहाँ पे इसका चार्जिंग इंडिकेटर है जो कि कलर चेंज करता है चार्ज फुल होने पे। अप्रॉक्सीमेटली 6 से 8 घंटे लगते हैं इसे चार्ज होने में। अब फ्लैशलाइट के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे आपको LED लाइट मिल जाती है जो कि मेन लाइट का काम करती है। इसकी पूरी बॉडी जो है एल्यूमिनियम की बनी हुई है जो कि हीट डिसिपेशन का भी काम करती है इस टॉर्च को कूल रखने के लिए, क्योंकि लाइट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है उसकी वजह से ये हल्की सी गर्म हो जाती है, बट एल्यूमिनियम होने की वजह से ये काफ़ी जल्दी अपना हीट डिसिपेट कर देता है। और सामने का जो पार्ट है वो ऐसा मूव करता है, जैसे जैसे ये पार्ट दूर जाएगा जो लाइट का इंटेंसिटी है वो फोकस्ड हो जाएगी एक जगह पे, और जैसे जैसे ये पार्ट पास आएगा वैसे ही लाइट का स्पीड बढ़ता जाएगा। मतलब आपको अगर फोकस करना है तो आपको इसे आगे करना है, और अगर आपको अगर स्प्रेड लाइट चाहिए तो आपको सिंपली पीछे करना है। ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है आउटडोर कैंपिंग वगैरह करने के लिए या घर पे सर्च करने के लिए, सर्च लाइट की तरह भी इसे बहुत अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। और यहाँ बैक में इसका मेन पावर बटन है जिससे इसके फ्लैशलाइट को ऑन भी किया जाएगा और इसका मोड भी चेंज किया जाएगा। कैसे, सबसे पहले इसे फुल क्लिक करेंगे तो इसका पावर ऑन होगा, सेकेंडरी इसे हाफ प्रेस करना है, फुल प्रेस नहीं करना है जैसे मैंने अभी किया तो इसका मोड चेंज हुआ, ये अभी सुपर मोड में आ गया मतलब हाई बीम से लो बीम में आ गया। एक बार और करेंगे तो ये फ्लैश मोड में आ गया, ये SOS मोड बोल सकते हैं, और ये वापस जो फर्स्ट था उस मोड में। इसे ऑफ करने के लिए इसे फुल क्लिक करना पड़ेगा। इस फ्लैशलाइट का प्रैक्टिकल आपको मैं अभी बाहर जाके आउटडोर में दिखाता हूँ जिसकी वजह से आप समझ पाएंगे कि ये कितनी अधिक पावरफुल है और कितनी अच्छी है। इसका प्राइस रेंज अप्रॉक्सीमेटली 800 to 900 के बीच है। मुझे इस प्राइस रेंज में ये काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि इस प्राइस में ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम करती है। यहाँ पे इसका ओपनिंग है जहाँ से आप इसकी बैटरी रिचार्ज करने के लिए भी निकालेंगे और चार्ज करने के बाद में वापस इसमें लगाएंगे। ये एक छोटा सा साथ में कैप आता है, कैप के अंदर ये लगेगा और ये पॉजिटिव एंड ऊपर रहेगा, नेगेटिव एंड नीचे रहेगा। इसकी कैपेसिटी 2600 mAh है। यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे एक रबर रिंग भी है जिसकी हेल्प से ये काफ़ी अच्छे से वाटर रेजिस्ट करता है और टॉर्च के इंटरनल्स को डैमेज होने से बचाता है। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, हम अभी सेम वही जगह पे है, सेम वैसी अंधेरा है, और अभी हम ट्राई करने वाले हैं हमारी XML T6। ये टॉर्च है, इसे मैंने ऑन किया, ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्राइट है, तो इससे इसकी पावर का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना ज़्यादा है। अभी सेम वही जो कल अपन देख रहे थे जिसमें डिस्टेंस लगभग लगभग 30 फीट था, तो मैं उससे तो देख नहीं पा रहा था, मतलब कैमरे से देख नहीं पा रहे थे हम, बट मुझे विजिबल था, जैसे अभी भी आप विजिबिलिटी देख रहे हैं, इसमें थोड़ी थोड़ी खोरी है। तो इसमें अभी यहाँ पे काम आएगा इसका फोकस मोड, ये हमने फोकस किया और ये अभी भी विजिबल है। हम अभी और डिस्टेंस जा रहे हैं और पीछे जाते जा रहे हैं, अभी लगभग लगभग डिस्टेंस हो चुका है 60 फीट के आसपास हो गया होगा डिस्टेंस, हमने और फोकस बढ़ाया, ये हमारा लास्ट फोकस है और इसके आगे भी और जा सकते हैं बट पीछे जगह नहीं है तो मैं जाऊंगा नहीं। और ये ऐसे सर्च लाइट की तरह काम आता है जो कि काफ़ी ब्राइट है। और ये जो पेड़ है सामने जो दिख रहा है, ये अप्रॉक्सीमेट क्या बोलना चाहिए, 100 फीट के आसपास दूर होगा, तो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है तो सर्च लाइट में काम आती है। सामने ये पीछे पहाड़ है जहाँ पर आप देख सकते हैं, कैमरे में उतना क्लियर नहीं हो पा रहा है बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है ये। और इसे एक सिंपली बैग के साथ में इसे वापस स्प्रेड मोड में कर लिया मैंने, जैसे आपको मैंने बताया था कि इसमें स्प्रेड मोड और क्या बोलना चाहिए फोकस मोड दोनों हैं। अभी ये स्प्रेड मोड में है, ये फोकस हो गई, तो काफ़ी हेल्पफुल है ये सर्च करने के लिए।
ये हमारी बाइक सेम वही जगह पे कल जहाँ पे खड़ी थी। सर्च करने में काफ़ी ईज़ है, ये स्प्रेड मोड जहाँ पे फोकस हट जाता है। और अभी आप कल की लाइट से कंपैरिजन देख सकते हैं, ये कितनी ज़्यादा ब्राइट है। और बाकी मोड भी चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा फोकस इसका चेंज किया जाए। हाँ, ये फोकस ठीक रहेगा चेक करने के लिए। सोबर मोड, फ्लैश मोड, और ये लास्ट, इसे ऑफ करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। इस टॉर्च से रिलेटेड कुछ भी आपको सवाल है तो कमेंट करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने मिले। थैंक यू।